अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज मैं 5 टिप्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वज़न कम करने के लिए। यानी अगर कोई चाहता है कि अपना वज़न कम करे, तो मैंने ये अप्लाई किया था, आप करके देखे, शायद अप्लाई करने के बाद आपको मज़ा आ जाए या असर दिख जाए। सो अगर अच्छी लगे तो ले ले, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, पहली टिप ये है कि जब भी आप वज़न कम करना का सोच रहे हैं और शुरू करने वाले हैं, उससे पहले जो भी आपकी फेवरेट खाने में चीज़ है, खासकर अगर वो मीठे में हो, या ऐसी चीज़ जो आपका वज़न बढ़ाने में मतलब मदद करती है, तो वो चीज़ आप दिल भर के खा लें। ये हमारी टिप है, आप लेके देखें। अभी जैसे मैं 1 महीने पूरा मतलब हुआ ही नहीं उसमें, वेट लॉस का तरफ ध्यान ही नहीं था, तो वेट गेन, और हमारा वेट तो ऐसे है माशाल्लाह कि हवा भी लग जाती है तो भी गेन हो जाता है। ऐसे आप में से कौन कौन है, प्लीज़ अपना हाथ ऊंचा करें, जो हवा खाते हैं तो भी वज़न बढ़ जाता है। सो बहरहाल मैं अपना बता रही हूँ। तो ये मैंने केक वगैरह जो भी था ना, अभी मैं जो डाइट पे नहीं थी, तो मैंने सब खा लिया। और खाते वक्त उसको बोले, अब आपको अगली बार तब खाएंगे जब हम अपने गोल पर पहुँच जाएंगे। यानी जो भी हमारा गोल होगा, जो भी 4-5 किलो जो भी बनता है ना, उसके बाद इंशाल्लाह आपको खाएंगे। उससे पहले फिर कोई ला के रख भी देना, तो आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखें। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप इसको आजमा कर देखें, और बस वही चीज़ जो आप खाते ना, उसी को आप गोल बना लेना कि अगली बार इंशाल्लाह तब खाएंगे। सो बस मेरे ये सब अनहेल्दी जो खाने थे ना, ये हमने खा लिए है पेट भर के, अब शुरू हो गया, अब मैं आपको नहीं दिखूंगी ये सब खाते हुए। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है, दूसरी टिप ये है कि आप क्या करें, आप सोचे बैठ कर कि आपको वज़न कम क्यों करना है। क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना, वज़न कम करने में मज़ा नहीं आएगी। जैसे कुछ लोग वज़न कम करते हैं कि भाई अपने लिए करते हैं कि भाई बहुत मोटे हो गए, दुबले दिखना है, या फिर कुछ लोगों के लिए करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, मोटा मोटा मोटा, इस वजह से दुबले हो रहे हैं, या कुछ हेल्थ के लिए करते हैं कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई बहुत वज़न हो गया, अब हेल्थ के हिसाब से कम करना पड़ेगा। तो आप अपना क्यों क्लियर कर ले कि आपको क्यों मतलब वज़न कम करना है। जब क्यों एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो वज़न कम करने में आसानी होगी। हम लोग वो बैठ के सोचते ही नहीं है, बस बस कोई भी वीडियो देख के हमको शौक आ जाता है और हम शुरू कर देते हैं। सो आपकी वो वजह कोई भी होगी, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसको, उस नीयत को, वज़न कम करने की नीयत को अच्छा कर ले कि दुनिया के जो फ़ायदे हैं वो तो होने ही होने, लेकिन इस्लाम भी आपकी हेल्थ के हिसाब से बहुत कॉन्शियस है। वो भी आपको हमेशा हेल्दी रहने के लिए कहता है कि भाई ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से ज़्यादा अच्छा है। और आप पढ़ोगे तो आपको मिलता है कि भाई वज़न का बढ़ाना या हेल्थ का ये ख़राब होना, ये इस्लाम में कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो अगर हम अपनी नियत को ऐसे कर लेंगे कि अल्लाह मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जैसे नबी ने मुझको गाइड किया है, तो मुझको लगता है फिर वो वेट लूज़ करना भी आसानी के साथ हो जाएगा, और प्लस सवाब भी उस पर मिलते जाएगा। हाँ, तो आपने अपना क्यों क्लियर कर लिया कि मुझको क्यों वज़न कम करना है, उसके बाद नियत आपने ठीक कर ली, और उसके बाद फिर एक दुनियावी हिसाब से भी गोल होना चाहिए ना। तो जैसे मैं अपना बताती हूँ, ये मेरा ड्रेस है, ये अभी पिछले दिन मैंने शादी में पहना था, तो ये जब मैंने लिया था ना शादी से थोड़े दिन पहले, मैंने उसको पहन के देखा तो ये रेडीमेड था, तो बराबर उसकी यानी फिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसमें कोई अंदर कपड़ा वगैरह भी नहीं था कि उसको लूज़ किया जाए। तो मैंने फिर चैलेंज ही ले लिया कि भाई इस कपड़े को पहनेंगे ना तो हम इंशाल्लाह ढीला हो जाएगा वो, यानी बिना कपड़े का, अंदर कोई कपड़ा नहीं है पर ढीला हो जाएगा। तो ऐसा एक गोल वो कपड़ा फिर रख दिया सामने कि भाई इसको पहनना है मुझको। सो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह जब पहना गया तो कोई फिट नहीं था, बहुत अच्छा वो लुक आ गया था उसका। तो अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कपड़ा भी आप सामने रख लेते हैं और उसको पहनने का इरादा करते कि इसको पहन के मैं इंशाल्लाह देखूंगी, तो भी वो काफ़ी मदद करता है। अच्छा, टिप नंबर 3 ये है आपके लिए कि जब आप वज़न कम करने के लिए सोच रहे हो और जब शुरू करते हैं आप जर्नी वो, तो जैसे मुझको मीठे का शौक़ है, तो मैं फिर कुछ ना कुछ मीठा बना के पहले हेल्दी जो ऑप्शन होता है ना वो बना के रखती हूँ। ऐसे शक्कर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसमें पड़ना नहीं है भाई, जिसको कुछ बोलते हैं भाई थोड़ा आप खा सकते हो एक पोर्शन, पर मैं पर्सनली मानती हूँ कि अगर मैं वेट कम करने पर ध्यान दे रही हूँ, तो फिर मैं हर वो चीज़ जो भाई वज़न बढ़ाने में मसला करती है उसको मैं अवॉइड ही कर देती हूँ। तो थोड़ी भी खा सकते पर मैं थोड़ी को भी हटा देती हूँ। तो उसकी जगह पर मैं क्या कहते हैं, शहद है या गुड़ है,
या फिर खजूर है, अंजीर है, ऐसे सारे मीठे अपनी डाइट में बढ़ा लेती हूँ। तो अभी मुझको मालूम है मेरे को खाने के बाद मीठे की आदत है, थोड़ा मीठा खाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले ही वो चीज़ बना के रख दूँगी ताकि अगर मीठे खाने की जब मुझको क्रेविंग हो तो मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खा लूँ, यानी कोई चॉकलेट उठा के नहीं खा लूँ या ऐसा कुछ नहीं खा लूँ। तो उसके लिए मैं ये ओट मील और बनाना का केले का ये केक, दो केले वैसे भी ख़राब हो रहे थे, मैंने सोचा चलो बना लो और फिर रख दो। अब ये मैं इतना केक बनाऊंगी ना तो ये फ्रीज में रहेगा और कभी भी मैं उसको निकाल के आराम से जब भी मुझको मीठा ऐसा कुछ खाना है, केक वगैरह, तो ये खा लूँगा। हाँ वैसे चॉकलेट केक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन खैर इतना भी ख़राब नहीं होता है, आप आराम से खा सकते हो, अच्छा लगता है। उसके साथ ही जब नाश्ते का, जो नाश्ते में क्या होता है कि अपने लिए अलग से खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये भी हमको बहुत मसला लगता है कि कौन बनाएगा अपने अलग के लिए। तो जल्दी में फिर क्या करते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा टोस्ट बटर तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, तो चाय बना लो, टोस्ट बटर में डुबा लो, खा लो, तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर वो हेल्थ के लिए मसला है, फिर वो वज़न के लिए मसला है। तो मैं क्या करती हूँ, अब जैसे मैं मिसाल आपको दे देती हूँ, ये दाल बची हुई थी तो बस ये दाल में ही मैंने क्या किया है, आटा डाल दिया, जो हमारा गेहूं का आटा होता है वो डाला है, और जितने मसाले और जितने कोथमीर वगैरह जो भी आपको डालना है उसी से मैंने आटा गूंदा है। अब ये मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं सुबह उठूंगी और एक्सरसाइज के बाद मुझको अपने लिए कुछ अलग से नाश्ता, यानी कोई चीला वीला पोहा बनाने का मन नहीं हो रहा है कि इतनी कटिंग करो फिर उसको घोलो बोलो, तो मैं ये आराम से फ्रिज में से आटा निकाल लूँगी और उसको मैं रोटी वोटी बेल के, या बन गया इतनी अच्छी, माशाल्लाह आप देखें कितनी अच्छी रोटी बन के तैयार हो गई, हेल्दी नाश्ता। इसको मैंने दही, दही भी होममेड दही, और फिर चटनी, चटनी भी होममेड, यानी पूरा आपका इतना अच्छा हेल्दी खाना अगर ऑप्शन में हो और टेस्टी भी लगता है, ऐसा कोई नहीं कि आपको उबले हुए खाने खाने पड़े, इतना टेस्टी माशाल्लाह खाना खाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी रेसिपी है इंशाल्लाह जो डाइट के लिए बहुत अच्छी रहती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर वो फ्रिज में एक दो ऑप्शन अगर आपके हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है। तो प्रिपरेशन ज़रूरी है वज़न कम करने से पहले। चौथी टिप ये है कि जैसे अभी आपने को मैंने बताया कि खाने के आइटम बना के रख ले जो भी आपके हेल्दी आइटम होते हैं, और उसी तरह जैसे एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं खाली डाइट से हो जाएगा, नहीं, डाइट वज़न कम करने की बात नहीं हो रही है, ये बात हेल्दी रहने की हो रही है। तो अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए एक्सरसाइज यानी कोई एक्टिविटी आपको चाहिए। जो पहले के लोग होते थे बीमार नहीं होते थे तो उनकी एक्टिविटी भी वैसी होती थी, हमारा तो आधा काम तो मशीनें ही कर देती है, तो हम तो बेचारे ऐसे लोग हैं जो कम एक्टिव रहते हैं। तो उसमें अभी के हिसाब से है ना, आधे घंटे की एक्सरसाइज तो कुछ ना कुछ को करनी है, वो आप जो भी डिसाइड करते हो, भाई वॉकिंग है या फिर जॉगिंग है या फिर कोई घर वाली एक्सरसाइज है। अच्छा मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो अभी घर में जो एक्सरसाइज करती हूँ ना, कि बाहर नहीं, कभी जिम में नहीं जाना हो रहा है या फिर वॉक के लिए नहीं जाना होता है, बारिश वगैरह होती है, तो मैं घर में भी एक्सरसाइज करती हूँ। आप बोलोगे इंशाल्लाह, नहीं भी बोलोगे तो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जिससे हाउसवाइफ को या घर में रहते हुए हम छोटी सी जगह में एक्सरसाइज कैसे करते हैं आधे घंटे में, वो इंशाल्लाह मैं आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, तो हम सोचते हो सुबह उठने के बाद कि हाँ अभी करेंगे, रात से ऐसे सोचते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद इरादा बदल जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम वो चीज़ें जो है ना वो रख कर नहीं सोते हैं, यानी जो आपके एक्सरसाइज के कपड़े, क्योंकि एक्सरसाइज भी प्रॉपर कपड़े में किया करें, ऐसे ही नहीं कि जो कपड़ा पहने उसमें चले जाए, थोड़ा भाई अपने आप को भी टाइम दे देना, अपने आप का भी हक बन रहा है। तो वो जो आपका जो एक्सरसाइज का जो कपड़ा है और जो उसके मोज़े और जूते हैं ना, उसको आप सामने, जैसे अगर मैं हॉल में करती हूँ हमारे इधर, तो मैं उसको हॉल के सोफे वगैरह पर रख दूंगी ताकि सुबह उठने के बाद मुझको ऐसा नहीं हो कहीं कपड़ा निकालूं फिर जूता निकालूं, उससे अच्छा मैं रहने दूं। इसकी भी प्रिपरेशन ज़रूरी है एक्सरसाइज करने की, जो चीज़ें हैं ना, ताकि आधा घंटा सुबह अपने 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 आप को दे दिया, वो चीज़ों को भी आप सामने रख दें ताकि वज़न करने करने आसानी हो जाए। अच्छा पांचवी और आखिरी टिप ये है कि नाउम्मीद नहीं होना है कि भाई मैं तो कितना एक्सरसाइज कर रही हूँ, कितना मैं तो डाइट कर रही हूँ तो भी वज़न कम नहीं होता है, और इससे अच्छा तो नहीं करे, कितने लोगों का हो जाता है हमारा ही नहीं होता। तो नाउम्मीद जो इंसान हो जाता है ना, तो फिर वैसे स्ट्रेस आ जाता है, तो वैसे ही जब आप सोच रहे हो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो फिर नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करे, आप एक बार वज़न चेक कर ले, जब शुरू कर रहे हैं तब चेक कर ले, अगर वज़न का मशीन नहीं है सो आप कोई कपड़ा जो आपको फिट हो रहा है वो चेक कर ले, वो भी नहीं है तो फिर कोई मेजरमेंट से अपनी बॉडी आप नाप ले कि कितना क्या है, तो उसको फिर आराम से आप
यानी सही तरीके से इबादत, जैसे कैसे इंसान सही तरीके से करता है तो फिर उम्मीद रखता है कि इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह अगर आप सही तरीके से डाइट को और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं ना, तो भले आपको लग रहा हो या किसी को नहीं लग रहा हो, वो अंदर से सारे कट झटते हैं, यानी अंदर से सब कम हो रहा होता है पर उतना असर जल्दी नहीं दिख रहा होता है। लेकिन कोई भी चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी से अगर किया जाए, अगर उसको मतलब आप आराम आराम से उसको टाइम दे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आपने वज़न बढ़ाने को टाइम दिए हैं, यानी कितने कितने हमारे 5-5 साल के वज़न होते हैं, 10-10 साल के वज़न होते हैं, एटलीस्ट उतने महीने तो दे, जैसे अगर 5 साल का वज़न है तो 5 महीने तो अपनी बॉडी को प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ दे, और उसके बाद कम नहीं है तो बात करना। पर हमने एक हवा बना दिया है कि वज़न कम करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है अगर आपने आसान है सोच लिया है तो नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना है, बस अगर आपने सोच लिया है और सही तरीके से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपका वज़न कम ही हो जाता है। और वज़न कम करें मैंने कहा बता दिया था भाई, नीयत वगैरह सब ठीक होनी चाहिए। होप कुछ आइडिया मिला होगा कि भाई क्या आपके लिए काम आ सकता है, कौन सी चीज़ आपके लिए काम आ सकती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।